हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज वी क्रिएट करेंगे दिस शिल्पा शेट्टी इंस्पायर्ड दिस लुक। मानोगे ना, इट्स शी इज वेरी वेरी हॉट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो दिस लुक को रिक्रिएट करना है। यूज करिए यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर क्रीम। अब अगर आपकी कोई भी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, सब स्किन टाइप्स के लिए ये जो मॉइस्चराइजर है ना, बहुत ही अच्छा है और यू नो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है गाइस। तो इसे लगा लीजिए अपने फेस के ऊपर। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है दिस लुक। इट्स वेरी वेरी कॉमन लुक, बट दैट डेज यू नो दैट डेज 90s डेज आर लाइक शिल्पा शेट्टी इज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ ए हॉट एंड ब्यूटिफुल एक्ट्रेस दैट ऑफ टाइम। एंड मानोगे मुझे तो आज भी पसंद है। पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करो, लेकिन इस बात को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते दैट शी इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड मॉइस्चराइजर लगाया, इनसाइड का प्राइमर लगाया, नायका का। अब मैं फाउंडेशन स्टिक यूज कर रही हूँ बिकॉज ये एक ह्यूमिड वेदर है ना, तो अगर ह्यूमिड वेदर में आपको कहीं भी जाना है तो स्टिक फाउंडेशन को यूज कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने फेस के ऊपर आज पहले ब्लेंड नहीं करूंगी, उससे पहले मैं कंसीलर को लगा लूंगी। मेकअप रिवोल्यूशन का कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ गाइज। ये जो कंसीलर है ना, अच्छा है, लेकिन कभी कभी ओके लगता है मुझे। रीजन इज दैट कि ब्लेंड करने में थोड़ा सा यू नो लेजी है कि आप इसे ब्लेंड करोगे बट ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, मतलब हो भी जाता है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इसको ब्लेंड करने में। तो मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा पानी से वॉश कर लीजिए, उसको या तो 2 मिनट पानी में डाल के यू नो फिर यूज़ कीजिए, अच्छे से निचोड़ लें। और अगर नहीं देखा है मेरा वो वाला वीडियो कि ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज़ करना है, तो बिल्कुल देख लें। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 925 कॉम्पैक्ट लैक्मे का है। ये बहुत अच्छा है एज वेल, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है ह्यूमिड वेदर में। और अगर समर्स, येस ऑफ कोर्स द समर टाइम, तो दैट्स व्हाई मैंने इसे यूज़ किया है। प्लस ये प्राइमर प्लस मैट है, तो अगर आप 2 मिनट मेकअप लुक करोगे ना तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। उसके बाद मैं यूज़ करूँ वेट एंड वाइल्ड का ये कॉन्टोर पैलेट, और इसमें से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी एज वेल। शिल्पा शेट्टी का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टोर है। यू नो 90s में क्या होता था कि वो बहुत ज़्यादा ना कॉन्टोरिंग करते थे, उनका फेस ना बहुत ज़्यादा ब्राउन दिखता था, या तो फिर उनका फेस जो बहुत ज़्यादा रेड दिखता था। तो जो है इस सॉन्ग में ब्लश पावर बिल्कुल भी नहीं है, ब्रॉन्ज पावर है। तो इसलिए आपको अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज करना है। मैंने नोज़ को भी यहाँ पे ब्रॉन्ज किया है, अच्छे से अपने नोज़ को भी ब्रॉन्ज कर लें और अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज कर लें। तो मैंने यहाँ पे जो है चिक बोन्स में पहले जो हाईलाइट किया है ब्रॉन्जर, कि मुझे यहाँ ब्रॉन्जर चाहिए राइट, उसके बाद मैंने ब्लेंड करना शुरू किया है। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो इस तरीके से पहले मार्क कर लें कि आपको ब्रॉन्जिंग कहाँ कहाँ करनी है, उसके बाद ब्लेंड कर लें। सो ईजी टू डू गाइज। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ऐसे भर का ब्लश पैलेट। अब एक सीक्रेट है इस ब्लश के बारे में कि मैंने ये गाइज एक नॉर्मल शॉप से लिया था, इट्स नॉट अ ऑनलाइन, बट ऑनलाइन भी आजकल ये मिलने लगा है राइट। तो इट्स SFR ब्लश और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं इन कलर का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ एज वेल। 90s में क्या होता था, ज़्यादा हाईलाइटर यूज़ किया जाता था, तो एज वेल मैं वैसे ही हाईलाइटर को यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ये ब्रॉकेट यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ वेरी वेरी बॉम ब्रॉकेट, और मेरा ये फेवरेट है पर्सनल। मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, जैसे मुझे कहीं जाना है या मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मैं इस किट को ही यूज़ करती हूँ। दिस वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट ब्रॉकेट, और ये इसकी जो शेड्स है ना वो मेरी ब्रॉज से बहुत मैच होती है। अब यहाँ पे आ जाती है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की ब्रॉज कैसी है। भाई शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की ब्रॉज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं, घनी हैं। अब यहाँ पे ना फेस और फीचर्स भी काम करते हैं। अब जिन लोगों के फेस और फीचर्स जो है बिल्कुल शिल्पा शेट्टी की तरह है, तो वो तो बिल्कुल रिजेंबल कर लेते हैं कि हाँ शिल्पा शेट्टी की तरह दिख रहे हैं, बट मेरा फेस कट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है शिल्पा शेट्टी के। तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ शिल्पा शेट्टी। एंड देन यूज करिए यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट, और इसमें से मैं एक थोड़ी सी ब्राउन टोन, यू नो ब्राउन टोन से अपनी क्रीज बनाऊंगी, ट्रांजिशन बनाऊंगी, साथ ही मैं आईलिड के ऊपर भी उसे लगाऊंगी। उसके बाद एक अच्छा सा विंग लाइनर लगा लूंगी, थोड़ा सा मोटा लगाऊंगी, लाइक ना मोटा ना पतला, इस तरीके का विंग लाइनर लगाऊंगी। यहाँ पे मेबलिन कोलोसल ब्लैक काजल यूज कर रही हूँ, सॉरी आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, एंड यहाँ पे लगा लूँगा मैं। अब ना कुछ गर्ल्स बहुत अच्छी होती है आईलाइनर लगाने में, मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, दे आर वेरी वेरी फैंटास्टिक टू अप्लाई आईलाइनर ऑन आईलिड। तो इस तरीके से आप अच्छे से आईलाइनर लगा लीजिए। कुछ गर्ल्स होती है जो आईलाइनर लवर होती हैं, आई नो दैट, तो इस तरीके से आईलाइनर लगा लो, बहुत बड़ा टास्क नहीं है ठीक है। उसके बाद मैंने कलर बार का ये डुओ मस्कारा यूज़ किया है। रीज़न इज़ दैट कि मैं यहाँ फेक लैशेज नहीं लगा रही हूँ, और अगर आप फेक लैशेज के इतने बड़े फ़ैन नहीं हैं तो इस तरीके का मस्कारा आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए, बिकॉज ये डुओ हुआ है ना, एक तरफ से लेंथ आपकी बढ़ाएगा, साथ में वॉल्यूम तो देगा ही देगा। फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसका शेड नंबर और लिपस्टिक कौन सी है गाइस। मैंने पहले भी ये वीडियोज़ में यूज़
की हुई है, तो देख लीजिए, शेड नंबर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इज अ फाइनल 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 लुक, आपको अच्छा लगा होगा कि शिल्पा शेट्टी इंस्पायर्ड दिस लुक, चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली। सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। थोड़ी सी मेहनत की आप अप्रिसिएशन दे दीजिएगा, हिट ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके अलावा व्लॉग चैनल पे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं गाइस, उसमें मैंने अपनी बहुत अच्छी चीज़ें शेयर की है, तो वहाँ जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, और हाँ, तीज की ना बहुत स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।